हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूके एलटी ग्रेड जीआईसी आरपीएससी स्कूल टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी समय यूपी टीजीटी में 148 वैकेंसी निकली हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। इससे पहले हमने पढ़ा है इससे पहले हमने पढ़ा है मुगल कला के बारे में, जिसमें हमने बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ा। इससे पहली बारी क्लास औरंगजेब के बारे में थी, जो सबसे कट्टर मुसलमान था, जिसने जजिया कर फिर से लगाया। चित्रकला के सारे स्रोतों को इसने सुखा दिया। और अपनी चित्रकला युवावस्था से वृद्धावस्था तक के बनवाए चित्र हैं इसके पास। अपने परिवार के चित्र बनवाता था सर। आगे आज हम पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला। ये क्लास नंबर 22 है। पहाड़ी चित्रकला का समय रहा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का। बीसवीं सदी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरमय घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से कहाँ तक किसका समय रहा? 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय का रहा, पंजाब से लेकर के हिमालय तक। हाँ, ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतः अलग थे। इन कृतियों में पहाड़ी आत्मा की सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखारित हो चुका था। सिंधु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक अनेक छोटे छोटे राज्य थे। सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में विभक्त किया। नोट्स जरूर बनाते चलें, लाइक जरूर करें वीडियो को। आगे इसमें देखते हैं, प्रथम वर्ग में उत्तरी चित्रकला या कांगड़ा स्कूल के चित्र हैं, जबकि द्वितीय वर्ग को दक्षिणी चित्रकला यानी डोंगरा जंबू स्कूल के चित्र कहे जाते हैं। इसी में बसोली, नूरपुर, गुलेर तथा कुल्लू के चित्रों को ले लिया, क्योंकि ये चित्र उपयुक्त स्थानों पर प्राप्त हुए थे। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रों ने मिलाकर एक भिन्न आयाम तैयार किया। भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोली शैली, दूसरे गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से जाना गया।
एक रूप को बोला गया बसोली शैली। बसोली शैली दूसरे को बोला गया गुलेर शैली और तीसरे को बोला गया कांगड़ा शैली। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से ही हुई, जब आपने कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। सन 1916 में आपका राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया। क्या कहा गया? हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज। सन 1926 में ओसी गांगुली की पुस्तक मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुई। ओसी गांगुली की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये पीस वाला नहीं है, ये पीसेस वाला पीस है, टुकड़ों वाला। प्रकाशित हुई सन 1930 में श्री जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की और सन 1931 में हिमालयन आर्ट प्रकाशित हुई। सन 1952 में WG आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला पर दो पुस्तकें इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। WG आर्चर ने 1indian painting in the Punjab hills और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की। इसके अलावा आर्चर महोदय ने पहाड़ी कलम पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे। डॉक्टर MS रंधावा ने चित्रकला पर सन 1954 ईस्वी में कांगड़ा वैली पेंटिंग। किसने? MS रंधावा ने कांगड़ा वैली पेंटिंग 1956 में कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग व सन 1958 में बसोली पेंटिंग व अन्य कई पुस्तकें प्रकाशित कराई। सन 1958 में ही कार्ल खंडलवाल ने पहाड़ी चित्रकला पर एक हृदय ग्रंथ लिखा, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। डॉक्टर राय कृष्ण दास, भूतपूर्व निर्देशक भारत कला भवन और डॉक्टर VN गोस्वामी ने भी समय समय पर पहाड़ी चित्र शैली पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे। आगे आती है कांगड़ा शैली। तीन पार्ट में डिवाइड करी गई थी, पहाड़ी कला, बसोली, कांगड़ा और तीसरी वो हम आगे देखेंगे। कांगड़ा घाटी
की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहां के कलाकारों ने जिन कृतियों का निर्माण किया उसका चिरस्थायी महत्व है। कांगड़ा घाटी में आरंभिक इतिहास के बारे में प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। कांगड़ा में ठाकुरों और सामंतों के अलावा जो प्राचीन जातियां पाई जाती थीं, उनमें बहती चंग, गद्दी गिरथ, कनेत के नाम प्रमुख हैं। अन्य जातियों में कृषिजीवी थे। पश्चिम हिमालय में 20-22 राज्यों में कांगड़ा का मुख्य स्थान रहा। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है, जिसका मूल स्थान कांगड़ा ही था। गुलेर, सीबा, जसवंत और दतारपुर से भी वे शासक रहे। बाद में उपयुक्त राज्यों ने स्वतंत्र रूप से अपना विकास किया। किसका प्रमाण मिलता है? कटोच राजवंश का। कटोच वंश की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि देवताओं द्वारा दैत्यों का विनाश न होने पर देवताओं ने एक शक्तिशाली मानव की रचना की। किसकी रचना की? एक शक्तिशाली मानव की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवती देवी के पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर गई। आधी रात को भगवती देवी के पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली मानव का जन्म हुआ और जिसको भूमिचंद्र के नाम से पुकारा गया। भूमिचंद्र ने दैत्यों का विनाश किया और पुरस्कार स्वरूप देवताओं ने उसे त्रिग्रद का राज्य प्रदान किया। 12वीं शताब्दी के अधिधान चिंतामणि नामक कोश ग्रंथ में जलंधर और त्रिग्रद को पर्यायवाची शब्द माना गया है। प्रारंभ में कटोच राजाओं की राजधानी त्रिग्रद या जलंधर में ही अवस्थित थी और कांगड़ा इसी के अंतर्गत था। कांगड़ा से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात होता है कि उस समय राजा पृथ्वीराज का शासन था और उसके बाद पूर्णचंद 1345 ईस्वी में अपना प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर जमा लिया। उसके बाद रूपचंद्र 1360 और समरचंद, मेघचंद्र, कमरचंद्र संसारचंद्र प्रथम, सुमेरचंद्र, प्रयागचंद्र, रामचंद्र, धर्मचंद्र, माणिकचंद्र, जयचंद्र, विधिचंद्र, त्रिलोकचंद्र, हरिवंशचंद्र, चंद्रभान, विजय रामचंद्र, उदय राजचंद्र, भीमचंद्र, आलमचंद्र, अमीरचंद्र,
अभय चंद्र के बाद सन 1751 ईस्वी में घमड़ चंद्र कांगड़ा की गद्दी पर बैठा। घमड़ चंद्र एक कुशल शासक था। उसने कटोच वंश की अस्त हुई स्मृति को पुनः सृजित किया, साथ ही तीर सूजनपुर नामक नगर बसाया। घमड़ चंद्र के 12 वर्षों बाद उसका पुत्र तेज चंद्र 1774 से 1775 गद्दी पर बैठा, परंतु उसका कुछ ही महीनों में स्वर्गवास हो गया। तेज चंद्र के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा संसार चंद्र 1775 से 1823 10 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कई वर्षों के युद्ध के पश्चात उसने कांगड़ा दुर्गा अपने अधिकार में लिया और 20 वर्ष तक राज्य किया। उसने अपना प्रभुत्व समाप्त पहाड़ी रियासत पर कर लिया। उसने अधीन 22 पहाड़ी राज्य थे जिसको उसने मुगलों के अधिकार से मुक्त कराया था। आगे इसमें आता है, संसार चंद्र की मृत्यु के उपरांत पुत्र अनिरुद्ध सिंह गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध के 2 पुत्र रणवीर चंद्र और प्रभुवद्ध सिंह ने सन 1733 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध अपने करने पर ब्रिटिश सरकार के अनुरोध करने पर 50,000 की जागीर प्राप्त की, अपनी जीविका चलाई। तदनंतर 9 मार्च 1746 ईस्वी में प्रथम सिख युद्ध से कांगड़ा राज्य हथिया लिया और इस प्रकार कांगड़ा से कटोच वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शती के अंत में हुआ। कांगड़ा शैली के 3 केंद्र गुलेर, नूरपुर तथा सूजनपुर रहे थे। राजा हरीशचंद्र, अभयचंद्र, घमड़चंद्र तथा संसारचंद्र ने इस शैली को विकसित किया। इन राजाओं में संसारचंद्र बहुत कला प्रेमी राजा थे। उनके समय में कला अपने स्वर्ण युग को प्राप्त हुई। यहाँ के मनकू, खुशाल, किशनलाल, पुरखू, फत्तू एवं वसिया जैसे उच्च चित्रकार थे। कांगड़ा कलम में कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, जयदेव की गीत गोविंद, बिहारी की सत्साई, केशव की रसिक प्रिय, नल दमयंती, भगवत पुराण आदि ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं। साथ ही ऋतु चित्र, 12 मासा, नायिका भेद, रागमाला, आखेट चित्र एवं दरबारी चित्र भी बने हैं। पंजाब की लोक कथाएं हीर रांझा, सोनी महिवाल तथा मिर्जा साहेबार पर भी चित्रण हुआ। कांगड़ा शैली में राजधानी एवं मुगल दोनों शैलियों
का सुंदर मिश्रण है। नारी आकृतियों का अंकन सबसे प्रभावशाली है। नारी को कोमल एवं छरहरे बदन वाली बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग UPTGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा कला है, जिसे बोलते हैं आर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रिपेयर नोट्स, डेट विल हेल्प यू। Help you for revision. After completing our video, we will go for a mock test. Thanks.